आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की लगेज की और साथ ही बात की कि किस किस डेस्टिनेशन पर आप जा सकते हैं। और जब बात करते हैं सौंदर्य की, भाई घूमने फिरने के दौरान आपकी त्वचा और आपके बालों का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो लेते हैं कुछ अहम ब्यूटी टिप्स स्किन केयर के लिए। आजकल में हमने आपको बताया तमाम पहलुओं के बारे में, जब आप घूमने जा रहे हो कहाँ जाएं, क्या लेके जाएं और कैसे जाएं। अब आपको बताते हैं कि आप वहां जाएं तो कैसे लगे। जी हाँ, घूमने फिरने के दौरान अपनी त्वचा का देखभाल करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपकी त्वचा जो है तभी तो आप हसीन लगेंगे जब आप फोटो खिंचवाएंगे, अगर आपकी त्वचा खुश होगी। तो अपनी त्वचा और बालों को आप कैसे बचाएं धूप से, और साथ ही साथ पूरे घूमने फिरने के दौरान अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखें, इस पर हमें टिप्स देने के हमारे साथ है ब्यूटी विशेषज्ञ भारती तनेजा। भारती जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो भारती जी से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या वो ऐसे एसेंशियल टिप्स हैं जिससे हम अपनी त्वचा को बचा के रख सकते हैं घूमने के दौरान। जब आप घूमने जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि अपनी स्किन केयर अच्छे से करें। उसके लिए एक तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। जब आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाएं तो जरूर 10 मिनट पहले लगाएं बाहर निकलने से पहले, ताकि जितने आपको पसीना आना हो पसीना आ जाए, और उसको टैप करके आप पाउडर या मेकअप लगा के जा सकते हैं। और जब आप बाहर जा रहे हैं तो याद रखें कि 2 घंटे के बाद या मैक्सिमम 3 घंटे के बाद दोबारा सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। क्लीन नहीं कर सकते तो उसी के ऊपर अप्लाई कर लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बाहर जाते हैं तो धूप से बाल आपके उसका स्ट्रक्चर तो खराब होता ही है, कलर भी खराब हो जाता है। तो कंडीशन जरूर करें जिससे कि कोट हो जाता है उसका कलर जो है वो खराब नहीं होता। उसके अलावा आप हो सके तो कोई स्कार्फ कोई कैप डाल के रखें, अम्ब्रेला लेके रखें, दैट्स ऑलवेज बेटर। अदरवाइज शैम्पू करके अगले दिन या एक दिन बाद उनको अच्छे से कंडीशन कर दें तो आपके बाल जो है वो काफी हद तक बचे रहेंगे। गंदे बिल्कुल होने ना दें, जब भी लगे कि खराब हो रहे हैं, ऑयली हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, उसी वक्त वॉश कर दें, अदरवाइज डैंड्रफ या कोई और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है। अगर सनबर्न टैनिंग कोई प्रॉब्लम आपको हो ही गई तो उसके लिए आप किसी पार्लर में जाएं, किसी क्लिनिक में जाएं, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, पार्लर में नॉर्मल फेशियल्स भी होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कोई आप फ्रूट पील कोई वेज पील करा सकते हैं, और क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्रूट बायो पील करा सकते हैं, एलोवेरा फेशियल करा सकते हैं। और ज़्यादा ही अगर स्किन खराब हो गई है तो आप स्किन पॉलिशिंग करा लें, जिसमें स्किन की एक पतली सी लेयर निकल जाती है, अंदर से बहुत सॉफ्ट बहुत सुंदर और अच्छी गोरी स्किन जो है वो आपकी निकल के आ जाती है। जब आप घूम फिर कराएं तो आप जो अपने त्वचा की खोई हुई रौनक है वो कैसे पा सकते हैं। भाई घूमने फिरने में धूप जो है आपकी त्वचा को जला देती है, टैनिंग हो जाती है, तो ऐसे में मैं ये जो ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, जो मैं स्क्रब ले रही हूँ, ये एंटी टैन स्क्रब है। ये पूरी तरह से हर्बल इंग्रीडियंट से बना हुआ है। इसमें पपीता डाला गया है, खीरा डाला गया है, और साथ ही साथ चावल और दाल को भी पीस के डाला गया है, जिससे जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं वो आपकी स्किन जो डेड स्किन है ऊपर उसको हटाते हैं, ताकि आपकी फ्रेश स्किन बाहर आ सके। घूमने फिरने में हम मस्ती तो बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब टैनिंग हो जाती है तो वापस आकर उस टैनिंग को हटाने के लिए इस तरह के स्क्रब लेना बहुत फायदेमंद होता है। और ये एंटी टैन स्क्रब है जो कि एक सिटिंग में काफी मददगार हो सकता है और आपकी जो टैनिंग है काफी हद तक हटा सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि मैं ये जो स्क्रब लगा रही हूँ मुझे इससे फायदा हो और जो मेरी टैन हुई त्वचा है वो थोड़ी बेहतर हो सके। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी एंटी टैनिंग को भी दूर कर सकते हैं। इस शो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ये टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सहारना।